और सब यही पूछेंगे कि कैसी तैयारी है। सवाल यह है कि अब की बार 400 पार और बीजेपी 370, क्या ये लक्ष्य मुमकिन लग रहा है? येड़ा बनकर पेड़ा खा रही है। आलोक जी, दम छोटा सा जवाब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आपका भी कैन ऑफ वर्म्स है, जिसको वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी की कालीन के नीचे कतरन छिपे हुए हैं। आपके इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। आपने भी तो इसी सिस्टम से पैसा लिया ना सर, कौन कौन सी कंपनी से लिया आप भी बताइए। मैं फिर कहूंगा भाई, अभी मदद है कि सरकार है जांच कराए। हमारे पास ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स है क्या कि हम किसी के ऊपर हफ्ता वसूली जो सरकार कर रही है कि हम किसी के ऊपर दबाव बनाकर हम उससे पैसे ले सकते हैं? तो मेरी इज्जत का फालूदा करवा के तसल्ली हो गई। और तो और उन्होंने पाकिस्तान की कंपनियों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की कंपनियों से भी जो लोग पुलवामा का हिसाब नहीं दे पाए, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। तमाम लोगों को पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, बंदरगाह दी, पैसे लिए, खदान दी। मस्त जोक मारा रे, यहां से हल्का हंस। वंस मोर। पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, काम दिया, पैसे लिए, बंदरगाह दी, पैसे लिए, खदान दी। क्या सीन है, क्या सीन है। ये पूरा एक हर तरह से ऑर्गेनाइज लूट का एग्जांपल सामने है। ये पूरा सिंडिकेट है, ये पूरा एक रैकेट है कि किस तरह से सरकार जो है उसके अंदर शामिल है। और जो हम आरोप लगाते थे, चाहे वो राफेल हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे पिगेसस हो, वो इनकी एक की जांच करा लीजिए, ये सरकार एक दिन भी नहीं चल पाएगी। अब समझ आया कि शेल कंपनीज की बात मोदी जी बार बार क्यों करते थे। इसमें तमाम शेल कंपनियों के पैसे तो नहीं है, उस जांच से तो नहीं भाग रही है कंपनी। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, उसके बाद भी ये निर्लज्जता के साथ सरकार कहती है कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। अरे भाई, आपकी तो 56 इंच की सरकार है, करवाली बेइज्जती। ये सरकार है, 30 कंपनियां ऐसी हैं, जो 30 की 30 कंपनियां जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड हुई और अगले हफ्ते पैसे आ गए। इसको हफ्ता वसूली सरकार अब समझ आ रहा है कि 50-50 खोखों में एमएलए कहां से खरीदे जा रहे थे। अब गजब बेइज्जती है कि आप पैसा दो बीजेपी को और काम ले लो। आपको पूरा बताता हूं कि इतना बड़ा घोटाला है अंजना जी कि पूरा का पूरा चुनाव और पूरी देश की जनता आज चिंतित है। आज सीधा हो रहा है कि यही मोदी सरकार की गारंटी है कि जहां जहां तक नजर जाएगी वहां वहां तक आपको लूटपाट मिलेगी, वहां वहां तक आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। इज्जत की वाट लगा डाली इसने। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर आज पूरी तरह से तीन चीजें सिद्ध हो गई कि हफ्ता वसूली सरकार है। पहले ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को भेजती है, फिर भाजपा के अकाउंट में पैसा आता है और फिर उसके बाद चेन बन जाती है, उसके बाद तमाम काम मिलते हैं। सरकार क्या बात है, गुड शॉट। सरकार पूरी तरह से इसमें शामिल है, लूटपाट में, ऑर्गेनाइज लूट में पूरी तरह से सरकार शामिल है। जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि पीएम को करप्शन से कोई परहेज नहीं है, ये खुलासे के बाद ये चीज सिद्ध हो जाती है। जो व्यक्ति कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज सिद्ध हो गया कि वो सब कुछ बीजेपी को खिलाएंगे। ये जो एनडीए है, नेशनल डाकू अलायंस, ये बड़ी अच्छी बात कही यार। नोटबंदी से भी बड़ा घोटाला नजर आ रहा है, पेगासस राफेल से भी बड़ा घोटाला है, और पीएम केयर्स फंड का भी अगर आंकड़ा सामने आ जाए तो एक दिन भी ये सरकार नहीं चल पाएगी। सीए का कोई मुद्दा नहीं है, केवल मुद्दा क्रिएट किया गया है। और बोलो बस, हवा निकल गई। जो लिस्ट आई है, हम 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए, और उसके बाद एक दिन में लिस्ट दी, और उसमें भी 3500 के करीब बॉन्ड जो है वो छुपा लिए। उसके बाद जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है उसको छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर लतार लगाई है कि हमें पूरी की पूरी डिटेल्स दीजिए। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये, पकौड़े तल रही है सरकार, जांच कराओ ना। 2014 के बाद बार बार पूछता हूँ, एक जांच पूरी नहीं हो, बताइए मुझे। 2,70,000 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे ताबूत कांड वालों, 10 साल हो गए आपको, ताबूत कांड वालों कम से कम जांच तो करा लो। कहते हैं बदला, इतना सुकून मिल रहा है। बीजेपी शायद सीए के खिलाफ थी, इसलिए 4 साल तक उसको लटका कर रखा। सही बात है। जैसे ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का मामला सामने आया, सीए भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने भी सब कुछ अनाउंस करना शुरू कर दिया। किस तरह से तमाम चीजों का ध्यान भटकाया जाए और 10 साल से जो झूठ और लूट की सरकार चल रही है उसको कैसे बचाया जाए, तमाम संस्थान उस काम पर लग गए हैं। सर क्या क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। 10 साल ईमानदारी की सरकार, किसी में हिम्मत नहीं है कि एक आरोप लगा सके नरेंद्र मोदी जी पे। और इससे पहले जो अवगुण थे पिछली यूपीए की सरकार के, वो क्या थे? भ्रष्टाचार, उसके साथ परिवारवाद और पॉलिसी पैरालिसिस, नीतिगत फैसले नहीं ले पाते थे। अब तो सर तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। सीएए हो, आर्टिकल 370 हो, चाहे वो वन नेशन वन पोल हो, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, त्वरित गति से लिए जा रहे हैं और सबको साथ में लेके मंथन करके संवाद करके लिए जा रहे हैं। और इसीलिए जनता चाहती है पुनः एनडीए की सरकार बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अंजना जी, आपने मुझसे कहा कि कैसी तैयारी है। अंजना जी, ऐसी तैयारी है हमारी भी और जनता की भी कि नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 का आंकड़ा पार होगा और अप्रत्याशित जीत होगी। जितनी सीटें भाजपा ने कभी नहीं पाई उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पाएगा। जाता तड़प ही ऐसी है ना। देश की जनता आतुर है, व्याकुल है, वो चाहती है
प्रधानमंत्री जी ने जो तीसरा अपना टर्म कमाया है उनकी ताजपोशी की जाए, और जो उन्होंने एक 2047 का विकसित भारत का एक पूरा खाका बनाया है उसको पूरा कराया जाए। पीछे भाई, अरे 1000-2000 करोड़ मिले तो लगे कि हिंदुस्तान का नेता 100 करोड़। हाँ, नेतागिरी पे कलंक है कलंक। और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, चाहे वो ओपिनियन पोल हो, चाहे आप जनता से बात करिए, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कि नरेंद्र मोदी जी वापस आएंगे। बात ये नहीं हो रही कि कौन आएगा, बात ये हो रही है कि भाजपा की सीटें कितनी आएंगी। क्यों मारिया? कोई को मत बुलाना, मेरे घर पे चलो। ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए। 370 बीजेपी, 400 पार एनडीए, वो नारा दे रहे हैं। आपका क्या नारा है, और साथ ही क्या सीए के मुद्दे पर, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर आपको लगता है कि आप घेर पाएंगे एनडीए को या फिर बीजेपी को? देखिए, सीए करेला खाकर पैदा हुई थी साली। आज जिस तरह से दो दिन से खबरें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लताड़ लगा रहा है, आज ही सुबह एसबीआई ने रिप्रेजेंट तक नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को, और सरकार के वकील केवल एसबीआई को बचाने के लिए पहुंच गए। इससे सीधा सीधा पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाखों करोड़ का घोटाला है। ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। एक फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, 409 करोड़ रुपए ईडी जब्त करती है, उनके प्रॉपर्टी अटैच करती है, और 3-4 दिन के बाद उनका पैसा जाना शुरू हो जाता है, और वो प्रॉपर्टी भी हट जाती है वहां से, और पूरी तरह से उनको काम मिलना शुरू हो जाता है। एक कंपनी सीरम, इन लोगों ने तो कोरोना में भी नहीं छोड़ा। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। सीरम जो कंपनी थी जो वैक्सीन बना रही थी, उससे भी पैसे ले लिए और उसको पूरे इंडिविजुअल जो सिंगल राइट्स थे उसको दे दिए। आपको याद होगा कि मोदी जी वहाँ सीरम गए थे और तमाम सवाल उठे थे। वो एक अलग बात है कि आज मीडिया उन चीजों को शायद याद न कर पाए, लेकिन ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन हमने उस समय पर भी याद किया था कि हैदराबाद से कितने चार्टर्ड फ्लाइट्स वेस्ट बंगाल गए। मैंने आज तक नहीं कहा था आपको अंजना जी, अंजना जी, सरकार उनकी है, जो जांच करना चाहे वो जांच करे। 10 साल हो गए, 10 साल में एक FIR जो मोदी सरकार ने की और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया, आप आरोप लगाकर चले जाएंगे। एक अंतिम बात कहना, चुप रे, नॉनसेंस, कुछ बोलने जैसा ही नहीं है। अरे तो ये चुनाव के पहले जो पेट्रोल डीजल की कीमत घटती है उसकी वजह भी समझाइएगा साथ साथ में, चाहे वो 5 राज्यों के चुनाव थे, 200 रुपए आपने एलपीजी सिलेंडर का घटा दिया, फिर अब 100 रुपए घटे, फिर पेट्रोल डीजल के दाम बीती शाम घटा दिए गए, तो क्यों चुनावी स्टंट नहीं है? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं पेट्रोल और डीजल पर बता दूं, 9.5 साल तक देश की जनता को लूटा और उसके बाद 2 रुपए कम करके आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे वोट दे दीजिए। पाकिस्तान की कंपनियों से पैसा लेंगे, पीएम केयर्स फंड में चाइना से पैसा लेंगे, पुलवामा की जांच नहीं कराएंगे, और उसके बाद कहेंगे कि साहब मुझे पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दे दीजिए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है? अब समझ आ रहा है कि 18-18 घंटे ये जो नेशनल डाकू अलायंस की सरकार चल रही थी वो कहां पर डाका डाल रही थी? आज भी सरकार छुपाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने आज भी फटकार लगाई है, 3500 के करीब बॉन्ड छुपा गए। जिस पे बात हो रही है उस बिंदु पे बात करते हैं। आज जनता का पहला सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है कि ये यंत्र है घोटाला करने के लिए, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड से जो रुपया आया है वो घोटाला। आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। तो जनता पूछ रही है ये जो 1421 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को आया है ये कब लौटा रही है, या कांग्रेस पार्टी स्वयं को ही घोटालेबाज मानती है जो जनता भी मानती है? हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। सीईसी का अपॉइंटमेंट इन्होंने सोनिया गांधी ने करा, दिखाइए जूम करके। सोनिया गांधी अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देती थी और ये यहाँ पे आके हमें ध्यान दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है इंडिया टुडे की खबर, सोनिया गांधी अपॉइंट नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। उसकी लुंगी में मिर्ची काहे को लग रही? जब आपके कार्यक्रम में हमने ये सवाल पूछा कि क्यों बढ़ाया तो उन्होंने कहा टेम्पररी है, लेकिन सरकार को तो काफी समय हो गया, वो अभी तक ठीक नहीं किया गया। तीसरी बात, समाजवादी तुमसे ना हो पाएगा तो उठाइए। हमने कहा था अनुच्छेद 370 हटाएंगे, 70 साल तक नहीं हटाया, हमने हटाया। हमने कहा भव्य राम मंदिर बनाएंगे, मैनिफेस्टो में था, पूरा कर दिया। हमने कहा था यूसीसी लाएंगे, उत्तराखंड में आ गया। हमने कहा था सीए लाएंगे, हम ले आए, आप छाती पीट रहे हैं। हमने कहा था वन नेशन वन पोल होगा, कमिटी ने रिपोर्ट दे दी। कुछ चुतिया नहीं बना रहे, अब चूतिया हैं। हमने कहा था कि घर बनाएंगे तो हमने 4 करोड़ घर बना दिए, 12 करोड़ घर ऐसे हैं जहां जल आने लगा नल में, ऐसे 10.5 करोड़ परिवार हैं जहां महिलाओं को गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मिल रहा है। हमने 11 से 11.5 करोड़ शौचालय बनाए, ये वादे ही पूरे करना तो होता है। और एक गोली करके इस लड़ाई को रोक सकते हो यार, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मैं अंत करूंगा इस बात पे, समाजवादी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। अंजना जी, 2009 में इनके पास 39 सीटें थी लोकसभा की, आज 3 सीटों पे सिमट के रह गई, आरएलडी भी इनको छोड़ के चली गई, और ये लोग उसके बाद उंगली हम पे उठाते हैं। अभी जब परिणाम आएंगे जनता आपको जवाब दे देगी। ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए। और लगभग देखिए 52 सीटें आपने 19 में जीती थी, लेकिन 196 सीटें थी जिस पर आप नंबर 2 पर थे। स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह की ताकत आप इन सीटों पर झोंक रहे हैं ताकि आप कन्वर्ट कर सके उसको विक्ट्री? बीच में ना बोल, नंबर यूनिक आइडेंटिटी नंबर को क्यों छुपाया गया? आज भी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है,
बड़ी चालाकी से आज एसबीआई का वकील वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ, दो तीन दिन और ले लो, उसमें और मैनिपुलेशन कर लो, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, क्या छुपाना है। पीएम केयर्स फंड पर भी यही हुआ था। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। जिस दिन राफेल की जांच होगी तमाम मित्र मंडली जेल के अंदर चली जाएगी, जिस दिन जांच होगी अडानी के तमाम शेयर्स की पूरी तरह से एसबीआई के और तमाम जो डायरेक्टर्स हैं और सेबी के डायरेक्टर्स हैं, जब उनके ऊपर जांच होगी तो पता चलेगा कौन जेल के अंदर है और कौन जेल के बाहर है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Let me up with a bright smile on now. Put me in the car, the one careless smile. To the moonlight, I see you. I'll be here right now.